दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भारत पूरी दुनिया को 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट निर्यात करता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो वीडियो में है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन जो प्रॉफिट रहता है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ निर्भर रहता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। सर बाकी सब छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि एक कंटेंट में प्रॉफिट कितना मिलता है, मुझे सिर्फ यही जानना है। दोस्तों एक कंटेंट में प्रॉफिट आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है उसका 5-6%। अभी आपके दिमाग में दो क्वेश्चन होंगे। पहला, इन्वेस्टमेंट के बगैर एक्सपोर्ट हो सकता है तो अभी इन्वेस्टमेंट कहां से आया? और दूसरा, मैंने तो सुना है 200% 300% प्रॉफिट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मिलता है 200% 300% 1000% भी प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बेसिक प्रोडक्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स, बेसिक प्रोडक्ट वो मोनोपोली वाले प्रोडक्ट है, वो कोई और कोई नहीं कर सकता। बेसिक प्रोडक्ट में आपको आप जितना चाहो उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्या आप जानना चाहते हो हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो नए एक्सपोर्टर इजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में? तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल के इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन की है, मैं यहाँ पर बात नहीं करता। मैं जो ग्राउंड लेवल की एक्चुअल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आप करने जाओगे तब क्या सिचुएशन फेस होता है उसके ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल ग्राउंड मालूम पड़े, एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल मार्केट का सिनेरियो आपको पता चले। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।